नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से, जहां पर आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ये सड़क हादसा हुआ है, जहाँ पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दिया। वहीं आपको बता दें कि बाइक सवार दंपत्ति और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहाँ पर ग्रामीण की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल दंपत्ति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि बाइक सवार दंपत्ति और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और वहीं ग्रामीण और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायल दंपत्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हरचंद थाना क्षेत्र के गंगागज कस्बे के पास की एक घटना है, जहां पर यह हादसा हुआ है। घटना हरचंदपुर थाना के गंगागंज थाने की है, जहां पर यह घटना हुई। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ और फिर उसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये जो कार है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद कार भी अच्छे से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद और बाइक सवार दंपत्ति एक और एक मासूम भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की छानबीन में अब पुलिस जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया और इसके बाद वो गोईदैया नाले का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली और समय सीमा के अंदर सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मथुरा के गांव मुरसिया में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आपको बता दें कि मथुरा के गांव में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी और बीजेपी मीडिया प्रभारी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां 51 किलो फूलों की माला गोकुल भारद्वाज और अन्य कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों द्वारा पहनाई गई और साथ ही साफा बांधकर सरदारी द्वारा वर्तमान विधायक राजेश चौधरी को आशीर्वाद भी दिया गया है। का माहौल है और उत्सव है, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की इस जीत से प्रफुल्लित है, उत्साहित है। अब लोगों के अंदर एक आशा की किरण जगी है कि माट विधानसभा क्षेत्र में भी विकास होगा। जो विधायक की भूमिका के रूप में ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था उसमें विकास होगा। सरकारी जो योजनाएं थी वो तो काम होते थे, पर एक व्यक्ति विधायक के नाते जो काम कर सकता है वो नहीं होता था। तो आज लोगों को लगता है कि अब हमारे बीच में हमारा कोई बालक, हमारा व्यक्ति, हमारे बीच का बेटा जीत करके गया है, हमारी सब समस्याओं का समाधान करे। देखिए आज जनता में बड़ा उत्साह का माहौल है। दिल्ली में हुए दंगे के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब पुलिस हाई अलर्ट पर है और औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया है। और वहीं आपको बता दें कि साथ पैदल मार्च किया गया और जनता को सुरक्षा का एहसास भी कराया गया और जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा में भड़की हिंसा के बाद रायबरेली में भी अब अलर्ट जारी किया गया और यहां पूरे जिले समेत शहरी इलाकों में पेट्रोलिंग और सघन जांच भी की गई। और वहीं सिटी मजिस्ट्रेट और वहीं सीओ सदर की अगुवाई में शहर के सभी चौराहों और सार्वजनिक
जगहों पर और हाईवे समेत रेलवे स्टेशन पर सघन जांच भी हुई है और इस दौरान आने जाने वालों के पहचान पत्र देखने के साथ ही उनके सामने और सामानों की जांच भी की गई। और सीओ सदर वंदना सिंह के मुताबिक त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सघन जांच की जा रही है और अभी तक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु सामने नहीं आई है। कुछ नहीं, एक सामान्य रूप से जो भी घटनाक्रम आसपास प्रदेशों में हो रहा है उसके चलते राज्य में भी अलर्ट है और उसी के दृष्टिगत चूँकि त्यौहार भी आज हनुमान जन्मोत्सव है तो जगह जगह चेकिंग कराई जा रही है और फुट पेट्रोलिंग हो रही है, गाड़ियों से पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस की मोबिलिटी और विजिबिलिटी है जिससे कोई भी अराजक तत्व किसी तरह से हमारे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। और वहीं आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का आज दूसरा दिन है। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जनता दरबार लगाया, गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया गया। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार जिसके बाद सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी और गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया जहाँ पर उन्होंने आम लोगों की समस्या सुनी। और इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और आज गोरखपुर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में ही उन्होंने जनता दरबार लगाया जिस दौरान उन्होंने जनताओं की समस्या सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच गए और लोगों की समस्या को सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश भी दिए गए हैं। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जनता के बीच गए और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी गए और इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा किया जाए और जो भी परेशानी है उन्हें दूर किया जाए। और वहीं अब खबर मथुरा से है जहां गोवर्धन में हिंदूवादी संगठन के सदस्य ने घोषणा की है कि अगर लाउडस्पीकर पर नमाज हुई तो वो मस्जिद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी हटवा दिए गए हैं। ये सिर्फ हिंदू आबादी को परेशान करने के लिए प्रोपेगंडा मुसलमानों द्वारा यहाँ बनाया गया है। आप जाकर के देखिए ये कहीं भी अगर इसमें मस्जिद का कहीं स्वरूप हो, ना मस्जिद है ना ईदगाह है और ना ही यहाँ कोई मुस्लिम आबादी है, एक भी परिवार यहाँ मुसलमानों का नहीं है। केवल हिंदू आबादी को बेवजह परेशान करने के लिए पाँच पाँच बार तेज आवाज में यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर बजाया जाता है। रात में बच्चे जब छत पे सोते हैं तो वो भी डर जाते हैं। तो हमारा जब आज हनुमान जी की जब हमारी जयंती है, आज हमारा जन्मोत्सव है हमारे जन्मवली का, तो क्या हम अपना हनुमान चालीसा और उसका हवन यहाँ नहीं कर सकते? तो हमने जब यहाँ अपना प्रोग्राम बनाया था शासन के लोगों ने हमसे ये निवेदन किया कि आप अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया, हम इस माइक को जो नाजायज जो ये आज रात्रि में तो गोवर्धन पुलिस गई थी मस्जिद में, उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर बंद कर लें। हालांकि हमारे पास जिला प्रशासन से अनुमति है लाउड स्पीकर नियम समय पर बजाने की, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हमने बंद करा दिए रात को। आज दिन में लड़के कुछ वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने जय श्री राम की नारे लगाई, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इस तरह का उत्तेजक माहौल बनता है तो थोड़ी सी अंदेशा ये हो जाता है कहीं पहले की तरह जैसे बाइक तोड़े थे ऊपर चढ़ के कोई उपद्रव पैदा ना कर दे। पुलिस प्रशासन को आगाह कर दिया है कानून एक तरफा नहीं होना चाहिए, कानून दो तरफा होना चाहिए। गिरिराज जी की भूमि है, यहाँ आए दिन सर सत्यनारायण की कथा भागवत कथा आयोजन होते रहते हैं लाउड स्पीकर। आज रात्रि में वहीं बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां युवती के साथ आपको बता दें कि युवती परीक्षा देने के बहाने प्रेमी से मिलने पहुंच गई और उसके अलावा आपको बता दें कि जिसके बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई और वहीं प्रेमी ने उसे अत्यधिक मात्रा में गर्भपात की गोलियां खिला दी जिससे युवती का रक्तचाप ज़्यादा होने से उसकी मौत हो गई और इस पूरे मामले की छानबीन अभी जारी और प्रेमी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। देवीगंज के अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिसमें
युवती का पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा कराया गया और गर्भपात कराने के उद्देश्य से जो युवती है उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेजेस अस्पताल में जाने की सुबह मौजूद हैं और उसके बाद गर्भपात के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसके बाद युवती की जो हालत बिगड़ने लगी तो युवती को फिर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया जहां उसकी जो है दुखद मृत्यु हो गई। थाना सीवीगंज के अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती। वही शाहजहांपुर में एक युवक की डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया। वहीं वीडियो में पिटाई करने वाली युवक के खिलाफ पुलिस में अब मुकदमा दर्ज कर लिया और वहीं आपको बता दें कि प्रतीक तिवारी समीतर के साथ चार अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है। वहीं युवक को पुलिस ने इस्तेमाल होने वाले डंडे से भी पीटा गया था और वहीं पूरा मामला थाना सदर बाजार के कटिया टोला इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक युवक द्वारा डंडे से पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वहीं वीडियो की भी अब पुष्टि की जा रही है और वहीं वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई भी की गई है। हम इनके पास नौकरी करते थे 12,000 रुपये महीने के। फिर एक दिन उन्होंने हमें बुलाया और इनका एक लड़का था आकिब काम करता था हम लोगों के साथ में ही, उसने बुलाया, वो इनका 16,00,000 रुपये का नुकसान करके भाग गया। फिर बुलाया, इन्हें हमसे पूछताछ के लिए बुलाया कि आजा कुछ काम है, अग्निवेश के यहाँ बुलाया था। उनके घर गए, वहाँ जी मौजूद थे और एक सुनितर गुप्ता थे वो वहाँ मौजूद थे, एक हाथ कोई और थे उनको हम जानते नहीं थे। वहाँ पर पहले पूछताछ की, फिर इन्होंने मारा कि वो कहाँ भाग के गया तुम बताओ, हमें नहीं मालूम था। तो उन्होंने सुमित्र और एक आध लोगों ने हमें खूब मारा, बहुत मारा। फिर ऊपर से अग्निवेश आए, फिर मैं थोड़ा सा समझाया भी, फिर उसके बाद दिन ने हमें मारा, उसके बाद भी मारा। कहने कहने पे काफ़ी कम से कम 1.5 घंटे बाद इनने और मुश्किल छोड़ा, काफ़ी धमकियां भी दी हमें हर तरह की। वजह से संपूर्ण समाधान दिवस नहीं लग पा रहे थे और वहीं लेकिन अब चुनाव खत्म होने से और आचार संहिता के हटने से संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एसडीएम, तहसीलदार, पीडीओ और तहसीलदार रहे शामिल रहे। और वहीं आपको बता दें कि लेकिन इस अवसर पर ज़्यादातर कुर्सियां खाली दिखी और इसलिए ये फैसला किया गया है जो अधिकारी इस अवसर पर शामिल नहीं हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितनी शिकायत आई अभी तक? अभी 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कितनों का निस्तारण हो गया है? 5 शिकायतों में से 2 का मौके पर किया जा चुका है। वहीं बरेली से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही अब सामने आई है। और वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है और बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और लेकिन स्कूल में उनसे काम करवाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा। और वहीं आइए आपको सुनाते हैं, जब एक पत्रकार ने मैडम प्रियंका से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। हाँ, प्रियंका जी बोल रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय खलेलपुर से। हाँ हाँ, सहायक अध्यापक है आपका, शिक्षा मित्र? मैं शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्र, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके स्कूल का। हाँ? एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बच्चे झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आपके यहाँ क्या? अरे भैया, ये फालतू की सिर्फ बकवास है, सफाई कर्मचारी सफाई करता है, तो बच्चे अपने मन से उठा लेते हैं झाड़ू। अच्छा अच्छा, और आपकी ये है जी जी सत्यवती मौर्य जी छुट्टी पे हैं आज? हाँ, सत्यवती मौर्य छुट्टी पे हैं। हाँ जी जी, नहीं तो उसका वीडियो वायरल हो रहा है ना, जो भी रीजन। अरे भैया, एक खाली बकवास है, फालतू का बकवास करते हैं लोग। मैंने देखा था उन्हें फोटो खींचते हुए, समझ में आया आपको? ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं था उन्हें, फालतू का काम खाली करते हैं लोग, खाली और कुछ नहीं देखते हैं। बच्चे अगर अपने मन से झाड़ू उठा ले रहे हैं, बच्चे अगर वो कर ले, बच्चे अपने घर में काम नहीं करते हैं, बता दो आप। नहीं नहीं, स्कूल में तो नहीं करना चाहिए ना, स्कूल में उनसे बच्चे से करवाए हो जाता, बच्चे तो अपने आप आके, बच्चे से आप कुछ पूछ लो, बच्चे से तो अपने आप कराए, बच्चे से तो अपने बच्चे अपने आप कर ले उठा लिए थे झाड़ू। बाकी हमारे सफाई कर्मचारी आए, सब झाड़ू लगा के गई, ऐसा थोड़े है जी। आप लोग ऐसे कैसे बातें कर लेते, हमें कहीं समझ नहीं आता, इतनी गंदगी पड़ी होती है, इनसे तो साफ करवानी चाहूंगा, फैमिली की थी। अब फालतू का बकवास करते रहते हो आप लोग खाली। मैडम, आप तो मुझे हड़काने लगी।
नहीं हटका रहे, नहीं इतनी गंदगी पड़ी है, इसे सामने सारी गंदगी पड़ी है, इसे सफाई करने की औकात नहीं है आप लोगों की। अगर आपके बच्चों को आपने देख लिया तो बच्चे झाड़ू लगाते, वीडियो वायरल हो रहा। चलो ठीक, इससे बात होती है। ठीक है, वहीं एक तरफ रूस और यूक्रेन में हमला जारी है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी कर ली, और ये संकेत चीन और ताइवान में मिल रहे घटनाक्रम से सामने आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि चीन बार बार अपने प्लान भेजकर वहां पर ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ताइवान हमले की स्थिति को देखते हुए आपको बता दें कि स्थिति में अपने आप को देख रहा है, और इसके अलावा आपको बता दें कि अपने सिविलियंस को बचाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी, और साथ ही चीन से टकराने के लिए अमेरिका के हथियार भी खरीद रहे। और क्या कुछ पूरा मामला है देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ताइवान के हर एक नागरिक को चीन के संभावित हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें और लड़ाकू विमान कहर बरसा रहे हैं, उसी तरह ताइवान पर चीन की आफत टूट सकती है। तो चलिए बताते हैं कैसे। पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया, इसके बाद यूक्रेन के समर्थन का बहकावा देकर चीन ने रूस पर प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन रूस के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे। अब यूक्रेन पुतिन के गुस्से की आग में झुलस रहा है। दुनिया इस युद्ध में रूस के खिलाफ है, लेकिन चीन का साथ रूस को मिल रहा है, और जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नजर है, और दुनिया को डर है कि पुतिन ने जो मॉडल यूक्रेन में दिखाया है, क्या उसी पर चलकर चीन ताइवान पर हमला बोलेगा? क्या एक और देश अपनी महाशक्ति के दम पर एक छोटे देश को रौंद देगा? लेकिन यह आशंका यूं ही नहीं उठ रही है। चीन के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं, ताइवान को धमका रहे हैं, ताइवान को उकसा रहे हैं। ये सभी विमान ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी सेक्टर में देखे गए। इसके बाद ताइवान की ओर से चीनी विमानों को चेतावनी जारी की गई। ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर लिया है। अब माना जा रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी युद्ध में तब्दील हो सकती है। अब तो ताइवान ने अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है कि युद्ध के समय कैसे अपना बचाव करना है। अगर चीन के हमले से ताइवान की सड़कों और इमारतों में आग लगती है तो उनको कैसे बुझाया जाएगा, ताइवान ने इसकी भी तैयारी कर ली है। इसके अलावा चीन से भिड़ने के लिए ताइवान अपने सैनिकों को भी मजबूत कर रही है। आपको बता दें ताइवान के साथ अमेरिका का सैन्य समझौता भी है, जिसके चलते अमेरिका ताइवान को हथियारों से लैस कर रहा है, और ताइवान की राष्ट्रपति भी चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उसके अलावा अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान की मदद के लिए तैयार अमेरिका का रुख वैसा नहीं रहेगा जैसा रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान था। यहाँ अमेरिका खुलकर ताइवान की मदद कर सकता है, और अमेरिका का दबाव चीन के ऊपर भी है, इसलिए चीन बार बार अमेरिकी अधिकारियों के ताइवान दौरे से भड़क रहा है। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाला चीन इससे पहले ताइवान पर कब्जे के लिए हमले के विकल्प को आजमाने की बात कह चुका है। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्यन।